कृष्णमोहन एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल को कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पास पिक्सल का गुच्छा है या ख़राब पड़ा भी है, कटपुट पिक्सल है। फ्रेंड्स, हम एक यहाँ पर टिच लेंगे, आप देख सकते हैं वाइट कलर का टिच है। फ्रेंड्स, एक पट्टा लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर 10 है, तो हम यहाँ पर कट कर लेंगे 10 LED पे। फ्रेंड्स, ऐसे ही 10 10 करके हम कट कर लेंगे सारे को। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम पट्टा पे टाइट करते हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक पट्टा है। तो फ्रेंड्स, 10 जो हमारा LED अति है पिक्सल का LED, इस पर हम आप टिच लगा के इसमें हम टाइट कर देंगे। फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी लगा दिया हूँ। फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे 1 है डिस्टेंस पे, हम एक यहाँ पे लगाएंगे। ऐसे डिस्टेंस पर लगाना है, आप जितना फिट बनाना है आपको आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 1 हैंड डिस्टेंस पे एक पिक्सल और लगा दूंगा मैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 10 10 लिए हो, 10 LED है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टिच को लेके आप नीचे के LED को मोड़ के यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे। आप देख सकते हैं ऐसे सारे LED को यहाँ पे नीचे की ओर टाइट कर देंगे। फ्रेंड, आप देख सकते हैं टिच को ऐसे ही करके हम सारे को LED को ऐसे टाइट कर लेंगे। आप देख सकते हैं एक सीध में सबको ऐसे टिच लगा देना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर LED सबको, मैंने यहाँ पे 24 LED का मैंने यूज किया पिक्सल का। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, टाइट कर देंगे एक एक 100 डिस्टेंस पे। तो फ्रेंड्स, का वायरिंग करेंगे 3 वायर लेंगे, कोई भी सा आप एक डेटा का ले सकते हैं और 2 वायर इनपुट DC वोल्ट 5 वोल्ट के लिए। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर सिलाई भी कर सकते हैं या फिर आपके पास टिच है तो सिलाई में भी टिच का आप काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 वायर मैंने देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है, एक प्लस का एक माइनस का डेटा का, और कनेक्ट कर देना है 3 वायर को अलग अलग वायर में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो पीला वाला वायर है वो डेटा का है, और ये जो ब्लू वाला है वो माइनस का हो गया, और ये जो है रेड वो हो गया प्लस का। पिक्सल में 3 वायर रहते हैं फ्रेंड्स, एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है डेटा के लिए, और एक वाइट रहता है माइनस का, और रेड प्लस का, और ग्रीन डेटा का। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कॉपर वायर भी यूज़ कर सकते हैं, फिलहाल मेरे पास कॉपर वायर नहीं है, मैं यहाँ पे लूजिंग तार से मैं काम चला रहा हूँ। इसी तरह 3 वायर को कनेक्ट कर देना है 1 वायर में। देख सकते हैं फ्रेंड्स, फिर दोनों साइड आपको टिच मार देना है, और वायरिंग हो गया है तो यहाँ पर आप सिलाई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इससे भी कोई रिलेटेड वीडियो अगर चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बीच में भी टिच लगा दूंगा जिससे वायर अच्छे से कनेक्ट रहे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भी टिच मार दिया हूँ मैं। फ्रेंड्स, इस तरह देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं 3 4 का वायरिंग किया हूँ, मेमोरी है ये, पावर बैंक से मैं चला रहा हूँ। आप देख सकते हैं अच्छे से वायरिंग हो चुका है, आपको भी ऐसे और बना रहे हैं तो आप वायरिंग कर लें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये 3 वायर होता है, ग्रीन मैंने बोला था डेटा का है, और 2 ब्लू और रेड DC सप्लाई के लिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जल रहा है LED वहाँ तक है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चल आगे का जो है वायरिंग कंप्लीट कर लेता हूँ फटाफट। फ्रेंड्स, अगर आप
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, कृष्ण मोहन एक्सपेरिमेंट सर्च करने पे आपका फेसबुक पेज पे भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे भी कोई भी रिलेटेड वीडियो, अगर आपको इलेक्ट्रिक चीज़ में कोई भी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वायरिंग कंप्लीट कर लिया हूँ और कर रहा हूँ, दोनों कन्फ्यूजन है। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले मैं सबसे पहले वायरिंग कर लेता हूँ, तब आपको इसको हम जला के टेस्ट कराएंगे। फ्रेंड्स, ये लास्ट वायरिंग है, आप देख सकते हैं, फटाफट इस वायरिंग को मैं कंप्लीट कर लूँगा। ये लास्ट वायरिंग है, फ्रेंड्स आप ये जो है पिक्सल, इसको चलाने के लिए आप कंट्रोलर पे भी चला सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे पावर बैंक से मैं इसको चला कर आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप चाहे तो एमपीएस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रहे 5 वोल्ट, एमपीएस भी 5 वोल्ट का ही होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हम आपको पिक्सल का टेस्टिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, अगर इस पे आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, आप खुश हैं आप, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारे टेंट वाले भाइयों और अंकलों से अच्छा है इसको टेंट पर यूज करने का। ये पिक्सल का झालर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर पावर फिल से बता दिया, पावर बैंक से मैं इसको चलाऊँगा, तो आप देख सकते हैं प्लीज़ देख सकते हैं भाई। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देख सकते हैं आप अपने